सर, ओवैसी ने कहा है कि अगर यहाँ पर इलीगल रोहिंग्या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी रहते हैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तोबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं? और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है? देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। भारत के बहुत समय से केसीआर सचिवालय नहीं गए हैं, इसलिए इनको आंकड़े मालूम नहीं है। मैं बता देता हूं, 224.50 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एसडीआरएफ का हमने दे दिया था, और 3 नवंबर को 224.50 करोड़ टोटल सिर्फ हैदराबाद के लिए 500 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली हमने दिया है। जरा वो कल जांच कर ले, और रेगुलरली सचिवालय में जाए तो ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। भारत भारत 2018 असेंबली इलेक्शन में आप तो एक सीट जीता, लेकिन उसके बाद सिचुएशन में इंप्रूवमेंट हो गया। पार्लियामेंट इलेक्शन में 17 में 4 सीट जीता, उसके बाद दुबगा का बाय इलेक्शन भी जीता, और ये जीएचएमसी में कंफर्टेबल क्वेश्चन, क्या बीजेपी हाईकमांड ये मानते हैं कि साउथ में कर्नाटक के बाद तेलंगाना पोटेंशियल स्टेट है सत्ता में आने के? नहीं, बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है, और अगले चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है, और इसके लिए हमारा तो कार्यकर्ताओं का योगदान है, जनता का सपोर्ट है, मगर केसीआर का भी बहुत सपोर्ट है। जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं, तो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर तेजी से बढ़े। चलिए, आपका सुझाव आ गया है। देखिए भैया, मैंने आपकी 25 मिनट बात करी, पोलराइजेशन की क्या बात करी? मैं तो कभी हिंदू मुस्लिम कुछ बोला ही नहीं, कोई बात नहीं करी। डरना नहीं चाहिए किसी से, चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए, अपने कामों पर लड़ना चाहिए। देश तो भैया 1947 में बटा था, उसके बाद बटा ही नहीं है, और किसने बांटा था आपको मालूम है? और बटता था तब तेलंगाना को कौन पाकिस्तान के साथ जोड़ने की बात करता था, वो भी आपको मालूम है? इसका जवाब पहले ओबीसी दे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।